गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सोनम खान। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा पाँचवीं से, विषय है हमारा हिंदी। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पार्ट एक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे पार्ट दो, ठीक है, जो कि आपको आपकी आपकी बुक के पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है। ओके, पार्ट दो जिसका नाम क्या है, राख की रस्सी। ओके, राख, राख आप सभी जानते हैं, राख वर्ड आप सभी ने सुना है ना। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसके जलने के बाद जो बचती है उसे क्या कहते हैं, राख, है ना। तो इस पार्ट का नाम ही है राख की रस्सी। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है। स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा, क्या दिया हुआ है, लोनपो गार तिब्बत के 32 राजा सोनगव सेन गापो के मंत्री थे, है ना। जो लोनपो गार थे वो तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गापो के कौन थे, मंत्री थे, ठीक है। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। किस चीज़ के लिए मशहूर थे वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी मीन्स मतलब किसी भी बात का जवाब बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बुद्धिमता से तुरंत उस चीज़ को रिप्लाई करने वाले थे, ठीक है ना। कि इन चीज़ों के लिए वो दूर दूर तक मशहूर थे, मतलब दूर दूर तक जाने जाते थे, ठीक है। कोई उनके सामने टिकता ना था, और कोई भी उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। उनकी ज़िंदगी काफ़ी चैन और सुकून से चल रही थी, लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था वो उनके लिए काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ था। अब देखते हैं उनका बेटा उनके लिए चिंता का विषय क्यों बना हुआ था, है ना। कारण ये था कि वह बहुत भोला था। जो उनका बेटा था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा भोला भाला सीधा साधा था। ओके, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, ठीक है ना। और जो होशियारी है मतलब जो चालाकी है उसने उसको छुआ भी नहीं था, मतलब उसको होशियारी चालाकी आती ही नहीं थी, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा था, भोला भाला था। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। अब लोनपो गार काफ़ी चिंतित थे अपने बेटे के लिए, उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा सीधा साधा है तो इसका काम ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे मतलब ये जीवन यापन कर पाएगा इतने भोला भाला बन के, इतना सीधा साधा बन के। तो एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, क्या कहा, तुम इन्हें लेकर शहर चल जाओ। क्या बोला, तुम इन्हें लेकर, मतलब जो भेड़े उनको दी गई उनको बोला कि इन्हें लेकर के तुम कहाँ जाओ, शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। और उनको उसको साथ में क्या बोला कि तुम इन भेड़ों को अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन तुम्हें इनको मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ। और क्या बोला कि इन्हें अपने, ये जो आप भेड़े लेकर जा रहे हो अपने साथ, इन्हें मारना या बेचना नहीं है, और इनके साथ इनको वापस लेकर आना, और इनके साथ साथ तुमको 100 जौ के बोरे भी लेकर आने हैं, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, और अगर आप तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बेटे को समझा करके, उसे बोल करके उसे कहाँ पहुँचा दिया, शहर पहुँचा दिया, ठीक है। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, इसको आप ठीक से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।